जब तालिबान नेताओं ने काबुल में प्रेसिडेंशियल पैलेस पर धावा बोला तो एक तस्वीर ने सभी का ध्यान खींचा। कहा जाता है कि इस तस्वीर में अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी नजर आ रहे थे। यह वही अब्दाली हैं जिनके खिलाफ मराठा सेना ने पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी। ये लड़ाई अफगान सेना के खिलाफ लड़ी गई थी। अहमद शाह अब्दाली को भारतीयों के लिए और विशेष रूप से मराठियों के लिए खलनायक माना जाता है। उन्हें अफगानिस्तान में बाबाए कौम यानी राष्ट्रपिता कहा जाता है। अहमद शाह अब्दाली कौन थे और वह अफगानिस्तान में नायक क्यों हैं? यह 1747 की घटना है। अहमद शाह अब्दाली जो कि एक जनरल और कबीले के प्रमुख थे, उन्हें सर्वसम्मति से अफगानिस्तान का राजा चुना गया। उस समय वो महज 25 साल के थे। अहमद शाह अब्दाली अपनी विनम्रता और अपने द्वारा हासिल की गई सफलता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्याभिषेक के समय साबिर शाह नाम के एक सूफी संत ने उन्हें दुर ए दुरान नाम की पुस्तक भेंट की, जिसका अर्थ है मोतियों में सबसे अच्छा मोती। तभी से अहमद शाह अब्दाली और उनके वंश को दुर्रानी के नाम से जाना जाने लगा। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने अभूतपूर्व सफलता हासिल की। उन्होंने सभी युद्ध जीते। उनका विशाल साम्राज्य पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में भारतीय सीमा तक, उत्तर में मध्य एशिया में अमू दरिया के तट से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ था। इतिहासकार इस साम्राज्य को दुर्रानी साम्राज्य कहते हैं, जो लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। उन्होंने सभी अफगानों के बीच मौजूद दुश्मनी को दूर कर उन्हें एकजुट किया और अफगान राष्ट्र की नींव रखी। अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी ने अपने लोगों को एक नई पहचान और एक स्वतंत्र राष्ट्र दिया, जो आज का अफगानिस्तान है। हालांकि उस पुराने अफगानिस्तान का वैभव अब नहीं रहा, लेकिन सीमाएं अब भी लगभग वैसी ही हैं। पश्तो जबान के मशहूर कवि अब्दुल बारी जहानी कहते हैं कि अफगानिस्तान के 5000 साल लंबे इतिहास में हमें अहमद शाह बाबा जैसा ताकतवर, मशहूर और लोकप्रिय शासक नहीं मिलता। अब्दुल बारी जहानी ने ही अफगानिस्तान का मौजूदा राष्ट्रीय गीत भी लिखा है। अहमद शाह अब्दाली ने राजा बनने से पहले और बाद में कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे। हालांकि 14 जनवरी 1761 को दिल्ली के पास पानीपत में लड़ी गई लड़ाई एक सेनापति और सम्राट के रूप में अहमद शाह अब्दाली के जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई थी। यह एक ऐसा समय था जब एक ओर अब्दाली और दूसरी ओर मराठा साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा से ग्रस्त थे। एक के बाद एक युद्ध जीतने से मराठा साम्राज्य की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई थीं। मराठों ने तेजी से अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, इसलिए अहमद शाह अब्दाली को लगने लगा था कि उनके साम्राज्य को मराठों से खतरा है। 14 जनवरी 1761 को अफगान सेना ने युद्ध जीत लिया था, लेकिन अफगान और मराठा दोनों तरफ के हजारों सैनिक मारे गए थे, इसलिए वह मराठों के लिए खलनायक बन गए। इतिहासकार पांडुरंग बलकवड़े के अनुसार अब्दाली ने नादिर शाह की हत्या के बाद अफगानिस्तान को ईरान से मुक्त कराया था और वहां खुद को राजा बना लिया था। निसंदेह वह अफगानों के लिए ईश्वर समान होंगे, लेकिन जब वो भारत आए तो यहाँ के लोगों पर अत्याचार किया और उन्हें लूटा। जब वे दिल्ली लौटे और दिल्ली के शासक उनकी मांगों को पूरा करने में असमर्थ रहे तो उन्होंने यहाँ हजारों लोगों को मार डाला। इसमें हिंदू और मुस्लिम भी शामिल थे। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ की 15-16 हजार महिलाओं को गुलाम बना लिया था। ये किसी अच्छे शासक के काम नहीं है। लेकिन उनका दूसरा विनम्र पक्ष अभी भी है, जिसके चलते अफगानिस्तान में वो राष्ट्रपिता कहलाते हैं। ब्रिटिश भारतीय सेना के एक अधिकारी और भाषाविद हेनरी जी रेवर्टी ने अहमद शाह अब्दाली को कुछ इस तरह वर्णित किया है। वह एक बहुत ही सक्षम व्यक्ति थे। अब्दाली को धर्म और साहित्य का डॉक्टरेट स्तर का ज्ञान था। अपने 25 सालों के शासन के दौरान अहमद शाह अब्दाली ने अपने देश और अपने लोगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान के नागरिकों के बीच स्वाभिमान और राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करते रहे। वह एक कवि थे और उन्होंने उत्कृष्ट लेख भी लिखे। अपनी मातृभाषा पश्तो के अलावा उन्होंने दारी, फारसी और अरबी में विस्तार से लिखा है। उनका संपूर्ण साहित्यिक कार्य पश्तो भाषा में संकलित किया गया है। अफगानिस्तान के लोग अहमद शाह अब्दाली को संत की तरह पूजते हैं। उन्हें अब्दाली पर गर्व है और पूरा देश उनका आभारी है। कंधार उनके साम्राज्य की राजधानी थी, वहां उनका मकबरा है।
इसलिए कंधार आज भी तीर्थयात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस सब के बावजूद कुछ साल पहले जब संजय दत्त ने आशुतोष गोवारिकर की पानीपत फिल्म में अहमद शाह अब्दाली की भूमिका निभाई थी तो उन्हें एक क्रूर, आक्रामक और हमेशा गुस्से में रहने वाले अफगान जनरल के रूप में चित्रित किया गया था। फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान अफगानिस्तान में विरोध प्रदर्शन भी हुए थे क्योंकि अफगान मानते हैं कि अब्दाली अब तक का सबसे महान व्यक्ति है।